कैसे ढूंढो, कैसे के लिए बैठे मत रहो। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं इंडस्ट्री में कैसे चलता है। प्रोएक्टिव, पांच लोग गाली नहीं गाए, छठा वाला अगर बोलेगा अरे यार मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद है, आप फोटो छोड़ के जाइए, कुछ काम है तो मैं आपको बुलाऊंगा। पानी पीना है तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआ चल के आपके पास नहीं आएगा। सर मैं ये कह रही थी जैसे हम सीरियल में काम करते हैं तो देन हम लगातार करते हैं, उसके बाद हम फिल्मों में प्रोस कैसे करें, फिल्मों में कैसे जाएं, नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे होना चाहिए। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। ये तो बहुत अच्छा है कि आप सीरियल में काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सीरियल वाले सबसे ज्यादा फिल्मों में ब्रेक ले रहे हैं, तो आप ऐसा मायूस मत होइए कि सीरियल में काम करते हो तो फिल्म का दरवाजा बंद हो जाएगा या फिल्म का। देखिए सीरियल वाले जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस है वो फिल्म वालों के पास भी नहीं है। सीरियल वाले फटाफट डायलॉग याद कर लेते हैं, फटाफट एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन फटाफट देते हैं, 25 कैरेक्टर को शादी में देखने का है, यहाँ वहाँ वहाँ वो डायलॉग के साथ साथ वो देते हैं। तो जो सीरियल का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो सबसे बेस्ट है, उससे फिल्मों में जरूर काम मिलता है। आप नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ दीजिए कि सीरियल वाले को फिल्म में नहीं रहता है। कैसे के लिए आपको खुद को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, आपको कास्टिंग डायरेक्टर का लिस्ट ढूंढना पड़ेगा। आप फिल्में देखिए, फिल्में लास्ट में क्रेडिट में आता है कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, कास्टिंग डायरेक्टर हनी त्रेहान, सबका नाम आता है। सब नाम नोट करो, तुमको जो जो फिल्म बनी है, फिर वो सब का उनका ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी पे आपकी प्रोफाइल भेजो, फिर उनका इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होता है जिसके अंदर उनकी जो 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 रिक्वायरमेंट है उसके कैरेक्टर का लिखता है कि मुझे 25 और 35 के बीच में ये कैरेक्टर चाहिए, मेल फीमेल, तो वो आप उसको इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, उसका फेसबुक फॉलो कीजिए, आप अपना सर्कल बनाइए जिसके अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर कौन सा ऑडिशन कहाँ कहाँ चल रहा है उसकी नोटिस आती है, वो आप पढ़िए और उसके बाद उसका ऑडिशन देने जाइए। कैसे ढूंढो, कैसे के लिए बैठे मत रहो, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं इंडस्ट्री में कैसे चलता है। प्रोएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, ऐसे बैठे मत रहो, अरे यार कोई एक्टिंग का काम नहीं आ रहा है, कब आएगा। यू हैव टू स्ट्रगल, झूठे घिसो, लगे के चलो भाई यहाँ ये शूट चल रहा है वहां घुस जाओ, जाकर मिलो असिस्टेंट डायरेक्टर से, मिलो डायरेक्टर तो चिल्लाएगा, मिलो और बताओ, पांच लोग गाली नहीं गाए, छठा वाला अगर बोलेगा अरे यार मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद है, आप फोटो छोड़ के जाइए, कुछ काम है तो मैं आपको बुलाऊंगा। तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जूते घिसो, जो जो फिल्म मेकर्स है, जो जो फिल्म बनाते हैं, जैसे राजसी प्रोडक्शन है आपको उसकी फिल्म है, उसकी ऑफिस में जाइए, वो लोग अच्छी तरह से बात भी करते हैं। काम मिला ना मिला तो नहीं, लेकिन पहले कम से कम आप स्ट्रगल तो करो। कुएं, पानी पीना है तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआ चल के आपके पास नहीं आएगा। यू हैव टू स्ट्रगल, स्ट्रगल जब तक नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, कितना भी रिजेक्शन मिले करो, क्या है रिजेक्शन मिले तो क्या है, बचपन में माँ बाप आपको सिखाया मार मार के तो तब सीखे ना, तो ये भी सीखना ही है, ये हमारे गुरु है, डायरेक्टर हमारे गुरु है, गुरु गाली देगा तो सहन करने का, उससे हम लोग सीखते हैं, हम लोग न्यू कमर्स है। और आप टीवी के आर्टिस्ट है तो फिल्म में जाने के लिए आप ऐसे कैसे बोल रहे, टीवी में कैसे घुसे, टीवी में भी घुसने के लिए तकलीफ तो पड़ी होगी ना, कि सबको अचानक मौका थोड़ा मिलता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी ब्रेक, कितनी कॉम्पिटिशन होती है, एक ऑडिशन में 200 लोग आता है जिसमें से आपको सिलेक्ट किया। सो हर एक मीडिया है, वेब सीरीज है, टीवी कमर्शियल है, सब में ट्राई करते रहिए, आंख और कान खुला रखिए, कहां क्या चल रहा है, नेटवर्क बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि वॉचमैन मेरे को धर्मा प्रोडक्शन में जाने नहीं देता, नहीं जाने देता है तो ठीक है, जहां उसका शूट चलता है वहां पहुंच जाइए, वहां भी गेटकीपर ना बोलेगा तो ठीक है, दूसरी जगह जाइए। कामयाबी कैसे मिलती है, एक चींटी दीवार पे चढ़ती है, 50 बार गिरती है, फिर भी वो 51 बार वो चीनी का जो दाना है वो लेके ऊपर जाती ही है। हार्ड वर्क, स्ट्रगल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, नेवर टू डिफीट, हाँ लेकिन अपना क्राफ्ट मजबूत होना चाहिए। टीवी का मीडियम और फिल्म का मीडियम में क्या अंतर है वो स्टडी करना चाहिए, दोनों की स्टाइल अलग होती है, ठीक है।
एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।